ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास इस टाइप का कोई छोटा सा इंटेक्स का टीवी हो, ये बहुत ही छोटा सा टीवी है, 16-17 इंच का है इसका डिस्प्ले साइज, तो दोस्तों इसमें आप इसको इसकी इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है। ये जैसे स्टार्ट करते हैं वैसे ही ये इसकी जो लाइट रहती है ये प्रॉपरली ऑन नहीं होती। इसको नॉर्मल जब ये ऑन होती है तब वो कैसे होती है कि पहले ब्लू होगी, फिर रेड होगी वापस और फिर रेड पे रुकी रहेगी, तो ये वैसे नहीं हो रही है, बार बार ब्लू और बंद चालू होती रहती है। अभी आप देखना, मैं दिखाता हूँ। तो इसके जो हमने डायग्नोस किया है वो उसके हिसाब से इसमें पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है। जिसकी पावर सप्लाई है ये 12 वोल्ट 2 एम्पियर की है, ठीक है, 2.5 की भी हो सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। मैं अभी आपको पहले डेमो दिखा देता हूँ कि कैसे इसमें प्रॉब्लम आ रही है और फिर ये बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व होएगी। तो देखो, ये मैंने स्विच ऑन किया, इधर इस LED है, ये देखिए ब्लू हुआ बंद हो गया, जबकि जब नॉर्मली इसको ऑन होना चाहिए तो ये क्या होएगा, ब्लू होएगा, रेड होएगा और फिर रेड पे रुका रहेगा, ठीक है। ये ऑन ऑफ हो रहा है बार बार। और जो इधर आपका स्क्रीन है, स्क्रीन भी एक्चुअली अभी उजाला है तो अच्छे से नहीं दिख रहा, नहीं तो ये जो स्क्रीन है ना ये भी ब्लिंक हो रहा है हल्का सा। और ये थोड़ी देर बाद जाके मतलब ऑन ऑफ होके फिर होता है प्रॉपरली ऑन रेड। तो हमको इसको प्रॉपर करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो इसकी पावर सप्लाई है ये मेन सप्लाई है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम कर रही है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, हमें पता है कि 12 वोल्ट 2 एम्पियर की है ये सप्लाई, तो हमें इसको दूसरी सेम सप्लाई से चेंज करेंगे। तो दोस्तों सेम सप्लाई में हमारे पास ऐसा ही अडाप्टर है, ये मार्केट में आपको मिल जाएगा ऐसा अडाप्टर, तो ये भी हमारा 12 वोल्ट 2 एम्पियर का है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ इसके अंदर की जो मशीन है वो निकालनी है बाहर, जो इसका PCB बोर्ड है, और इसके अंदर टीवी के अंदर इंस्टॉल कर देना है, इतना हमें करना है बस। सो अभी आप कंटिन्यूस वीडियो देखते जाइए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। पहले पावर ऑफ कर लेंगे और प्लग पूरी तरह रिमूव कर देंगे टीवी में से। ये रही मेन सप्लाई, इसमें ये इसके प्लस माइनस के पॉइंट लगे हुए हैं, इसको हम निकाल लेंगे, ये दोनों निकल गए प्लस माइनस के। अब पावर सप्लाई के क्या बोलते हैं, लाइव और न्यूट्रल निकाल लेंगे। ये हमारी जो मेन पावर सप्लाई है वो अलग हो गई टोटली, हो गया, ये हमारी मेन सप्लाई अलग हो गई। अब इसको साइड में कर देंगे और जो हमारा अडप्टर था इस अडप्टर को खोलेंगे अपन और इसके अंदर से निकालेंगे इसकी सप्लाई। अडप्टर को दोस्तों कोशिश करिएगा कि जितना आप अच्छे से हो सके उतना अच्छे से निकाल लें, विदाउट चीज़ों को डैमेज करें तो अच्छा रहेगा, तो वो आपके किसी हो सकता है कि जो केसिंग है वो बाद में भी किसी काम आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये चार्जर के अंदर से ये ऐसी सप्लाई लगी हुई है, ठीक है, तो ये हम इसको निकाल लेंगे। सो ये हमारी सप्लाई हो गई, इसमें ऐसे देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दोनों इसके लाइव और न्यूट्रल लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और यहाँ पे इसका पॉजिटिव नेगेटिव लगे हैं, है ना। हम आयरन से इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं इसमें से, जो पॉइंट वगैरह आप निकाल रहे हो वो आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी फिर। बाकी जो PCB रहती है इस पर देखिए, ऐसा भी यहाँ पे ऐसा जैसे ये लिखा दिख रहा है वैसे दिख जाता है लिखा हुआ, तो फिर भी ध्यान रखना अच्छी बात है।
सो अब हम इस सप्लाई को अपने टीवी में लगा लेंगे, जैसा हमने निकाला था वैसे ही लाइव न्यूट्रल का वायर जोड़ देंगे। और ये हमारे पॉजिटिव नेगेटिव है, हम एक तरफ फोर से वापस देख लेते हैं। ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। ओके सो सारी चीज़ें जुड़ गई है। और अगर फिर भी ऐसा लग रहा हो थोड़ा सा कि इसमें ये कम है, क्या बोलते हैं आपका शोल्डर वायर, थोड़ा सा और लगा ले इसमें, जो पॉइंट्स है वो प्रॉपरली जुड़ने चाहिए, डिस्कनेक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये मेन इसके इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स हैं। कोई भी पॉइंट आपस में नहीं शॉर्ट होना चाहिए। अभी सब सेट हो गया है हमारा काम, तो अब इसको हम पलट के इसके अंदर फिट कर लेंगे, ताकि अंदर ही अच्छे से बैठ पाए, इधर उधर टच ना होए कहीं। इसमें डबल साइड टेप लगा था, तो हम उसी से इसको वहाँ पीछे टच कर देंगे। और ऐसी ये पॉलीथिन इसके ऊपर लगी थी, तो इसको वापस लगा देंगे। ऐसा हमें बस रखना ही है धीरे से उसको, ताकि वो गड़बड़ ना होए। और ये चेक करने के लिए हमने ये वाला सॉकेट खोला हुआ था कि बटनों की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो इसको लगा देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इसकी नहीं है। Received 40 rupees on Google Pay for business. ये भी वापस लगा दिया है मैंने। और इसके लिए आपके पास कोई ग्लू टाइप की कुछ अच्छी सी हो तो उससे इसको लगा दे वापस। इस चीज को लगिए यहाँ पे टच ना हो किसी पार्ट से। हमने उसको इससे चिपका दे रहे हैं पन्नी को, ताकि ये पीछे एलसीडी वगैरह में टच ना हो। अब इसको ऑफ टेस्ट पेन करके देख लेते हैं। सो ये मैंने प्लग इन कर दिया है, आप देख सकते हैं प्लग इन करते से ही ये स्टार्ट हो गया है। एक बार में रेड लाइट जल गई है यहाँ पे, मैं फिर से भी करके दिखा देता हूँ। ये देखो अब इधर देखना, जैसे ही ये ऑन होगा एक बार में रेड लाइट जल जाएगी। ये अभी हमारी रेड लाइट, पावर बटन दबाएंगे एलसीडी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये ऐसे परफेक्टली काम कर रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, इसको ऐसे ही काम करना चाहिए। अब सो दोस्तों डेट्स ऑल फॉर टुडे। और इस तरह से आप किसी छोटे वाले जो हमारा मॉनिटर है, टीवी है, इसको आप जोड़ सकते हैं। सब पे यूनिवर्सली ये टेक्निक अप्लाई करेगी। सो इस तरह से आप पावर सप्लाई चेक करके चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।